टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से मैं हूं नगीन आसिफ और आज की मैं वीडियो में आपको बहरिया टाउन में मौजूद तमाम तरह जो अपार्टमेंट्स हैं उसमें से कुछ अपार्टमेंट्स जो टोटली फर्निश्ड हैं उनकी प्राइजेस और उनका लाइव विजिट आपको करवाऊंगी। तो आज की इस वीडियो में आप काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो फॉर द टाइम बीइंग आते हैं और जो परमानेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपार्टमेंट्स को कंसीडर करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। कंप्लीट विजिट करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जो यहाँ पे अपार्टमेंट्स का ट्रेंड है उसके हवाले से और राइट नाउ जो अपार्टमेंट्स की वैल्यू है और इसकी जो डिमांड है उसके बारे में थोड़ा सा बताती जाती हूँ कि राइट नाउ जो जैसे कि सबको हमारे व्यूअर्स को पता है कि पहले अपार्टमेंट्स का जो ट्रेंड था वो मोस्टली आउट ऑफ कंट्री में लाइक दुबई में या जितने हमारे ओवरसीज क्लाइंट जो यहाँ आते हैं उनके थ्रू भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो मार्केट है उसके बारे में भी आइडिया होता है कि वहाँ की जो अपार्टमेंट है वो कितना ज़्यादा उसका ट्रेंड और कितना ज़्यादा वो हाइप ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हुआ है। तो उसके बाद से जो हमारा अपार्टमेंट का ट्रेंड था वो मूव ऑन होते हुए हमारे पाकिस्तान में लाइक पहले कराची में आया, देन इस्लामाबाद और लाहौर में भी जो वर्टिकल लिविंग है उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटाइज किया गया है। तो राइट नाउ लाइक पिछले जब इमरान खान के दौर में भी वर्टिकल लिविंग और हाई राइज की अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स को काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाइप मिली थी और काफ़ी ज़्यादा उसको प्रमोट मिला था और जिसकी वजह से हमारे जितने वो बहुत मोस्टली उस तरह के क्लाइंट जो बहरिया टाउन ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं उनको भी ज़्यादातर इस चीज़ का नो हाउ है और वो इस चीज़ का जो वैल्यू है उसको और अच्छे तरीके से जो है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं और वो यहाँ पे जो हाई राइज है और उनकी बिल्डिंग्स में कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स का ट्रेंड है वो किस हद तक यहाँ पे फैला हुआ है, उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न जो है वो यहाँ का प्रॉपर वर्टिकल लिविंग को जो है वो प्रमोट करना और उसके बाद इन अपार्टमेंट्स की जो प्रॉपर वैल्यू है कि जितना आपकी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप 1.5 करोड़ का या आप 2 करोड़ का घर खरीदते हैं तो आपका मैक्सिमम 50,000-60,000 रेंट के ऊपर जाता है। वही अपार्टमेंट में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मर्ज करते हैं लाइक अगर आपने 70 लाख या 80 लाख में अपार्टमेंट बाई किया है तो अराउंड 50,000-60,000 आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो मिलता है। तो रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्टली लोगों का कंसर्न होता है कि उनको मंथली बेसिस पे एक फिक्स रेंटल आता है उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है और उसके साथ साथ अगर आप फर्निश्ड अपार्टमेंट को रेंट आउट करते हैं या परचेज करके रेंट आउट करते हैं तो डेली बेसिस का जो आपका रेंटल है वो आपका अराउंड 7,000-8,000 वन बेड का और 14,000-15,000 आपका 2 बेड का रेंटल आता है। तो जिसका अप्रॉक्सीमेटली अगर आप अपना एस्टिमेट लगाएं तो एक हफ्ते में भी अगर आपका 2 या 3 दफ़ा अपार्टमेंट रेंट आउट होता है तो आपका मंथली एक अच्छा एवरेज बन जाता है जो कि 1.5 से 2 करोड़ के घर में आपका रेंटल आउट या आपका एवरेज वैसा नहीं होता। तो मिनिमम आपकी इन्वेस्टमेंट है और मैक्सिमम आपका इसमें रिटर्न है जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादातर अपार्टमेंट्स को प्रायोरिटाइज करते हैं और डेवलपमेंट जो डेवलपर्स हैं वो भी डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए जो अपार्टमेंट्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उसको इंक्रीज आउट कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। तो इससे ये सब तो हो गया हमारे वर्टिकल लिविंग को जो राइट नाउ प्रमोट किया गया है। तो उसी चीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपको जो अपार्टमेंट विजिट करवाने आई हूँ इस राइट 1 बेड अपार्टमेंट एंड 2 बेड अपार्टमेंट एंड स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट वो अपार्टमेंट्स हैं जो प्रॉपर इनकी जो इंटीरियर डेकोरेशन को मेंटेन करते हुए और प्रॉपर इनकी जो डेकोरेशन और कलर कॉम्बिनेशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है कि अगर आप इसको खुद पर्सनल यूज़ के लिए भी लेके चलें तो ये एक बुरी ऑप्शन नहीं होगी। तो आइए चलते हैं अपार्टमेंट के लाइव विजिट की तरफ, मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर और डिस्कस किए बगैर अपार्टमेंट के लाइव विजिट की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे अपार्टमेंट के क्या साइज़ है और इसमें कौन कौन सा मटेरियल और कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ किए गए हैं। जी तो अब हम जिस अपार्टमेंट है हमारे कैमरामैन आपको तमाम तरह जो अपार्टमेंट है इसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू देंगे और इसका जो टोटल एरिया है वो 300 से 350 स्क्वायर फीट का इसका एरिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक इन्होंने प्रॉपर इस एरिया के अंदर कितना अच्छा इसको जो है वो एलैबोरेट किया गया है और किस तरह से उन्होंने इसको मेंटेन किया है विद ग्रेट एंड ब्लू एंड वाइट कॉम्बिनेशन। आप इसका सोफ़ा सेट देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने ऑफ वाइट का कॉम्बो दिया हुआ है ब्लू के साथ। इसके साथ ही साथ इन्होंने एक छोटा सा किचन दिया हुआ है। अगर इस तरफ से हम आएँ तो राइट नाउ जो इसमें किचन की अगर हम क्वालिटी देखें और इसमें जो टाइलिंग इन्होंने यूज़ की हुई है, ये जो टाइल्स हैं प्रॉपर इन्होंने मास्टर टाइल्स की जो टाइल्स हैं उसमें अच्छी क्वालिटी की टाइल्स हैं वो यूज़ की हुई हैं और साथ में नेस गैस का इन्होंने स्टोव यूज़ किया हुआ है जो कि एक अच्छी क्वालिटी का स्टोव है, थोड़ा लॉन्ग टर्म चलने वाला स्टोव है। साथ में इन्होंने जो सेंट्री की चीज़ें हैं जो इन्होंने यूज़ की हुई हैं वो भी अच्छी क्वालिटी की यूज़ की गई हैं। तो बाकी इसके साथ ही साथ हम थोड़ा सा इसका एक प्रॉपर एक इन्होंने एक छोटा सा किचन जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है जो कि TV लॉन्च के साथ एक आप ये कह लें कि स्टूडियो कैटेगरी में एक किचन है फॉर योर एनी ईटिंग एक्टिविटी। और राइट नाउ हम मूव करते हैं इसको अपार्टमेंट्स के फर्दर फॉरवर्ड TV लॉन्च से आगे।
तो इसमें टीवी लॉन्च में वैसे इन्होंने अगर सीलिंग वर्क दिखाएं तो थोड़ा सा ये भी हम इसकी तरफ भी ओवरव्यू कर लें। प्रॉपर इन्होंने जो सीलिंग और पैनल्स जो दिए हुए विद फैंस का और उसका कलर भी मैचिंग दिया हुआ है, और सीलिंग और लाइटिंग का जो इन्होंने LEDs लाइटिंग का टच दिया हुआ है, साइड पर इन्होंने जो TV और साथ में इन्वर्टर AC है जो इन्होंने साथ अपना इलेक्ट्रॉनिक्स है वो भी ऐड किया हुआ है। ये टोटली फर्निश्ड अपार्टमेंट आपको विद ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज आपको मिल रहा है। तो इसमें जो इन्होंने अच्छा, ये वैसे तो विंड प्लाई का इन्होंने क्वालिटी यूज़ की भी है लेकिन ये अच्छा लुक दे रहा है। राइट नाउ इन्होंने दो ड्रॉज के साथ इसको एक प्रॉपर जो TV लॉन्च के अंदर एक रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम कैटेगरी में, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग जो है इसको अच्छा मेंटेन किया हुआ है। फर्दर हम मूव करते जाएं वन बेड की तरफ, और वन बेड है जो राइट नाउ यहाँ से स्टार्ट होता है और इधर इसका जो इन्होंने डोर की क्वालिटी है और इसके जो हैंडल्स हैं ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं, देख के पता चल रहा है कि ये क्वालिटी अच्छी यूज़ हुई हुई है। बाकी इसके साथ ये इन्होंने कबर्ड्स का जो है वो दिया हुआ है कबर्ड्स, और इसमें प्रॉपर जो है इसका अंदर एरिया है और ये प्रॉपर ड्रॉ के साथ ये प्रॉपर इन्होंने एक वार्डरोब एक कबर्ड सी बनाई हुई है। साथ इन्होंने लैंप्स और जो इसके ड्रॉज हैं जो इसके ड्रॉज में मटेरियल इन्होंने यूज़ किया हुआ है ये प्रॉपर जो है ये एक रेगजीन और लेदर का इन्होंने दिया हुआ है जो लाइट सा शाइनी टच दे रहा है, और प्रॉपर इन्होंने इसके साथ जो है इसको कॉम्बिनेशन इसका बनाया हुआ है वाइट एंड गोल्ड का इन विच इट्स लुकिंग अ लिटिल बिट एलिगेंट। तो इसमें ये है कि इसी रूम में भी इन्होंने साथ TV एंड इन्वर्टर AC दिया हुआ है, साथ सेम वुड प्लाई का जो इसमें काम है वो किया हुआ है। उसके साथ इन्होंने जो नाइस ये डेकोरेशन सर प्रॉपर एक टच दिया हुआ है। देन इसमें कर्टन्स हैं, टू साइडेड कर्टन्स हैं लाइक वाइट नेट, अगर आप इसको फ्रंट व्यू के इसको देखें तो ये भी क्वालिटी अच्छी यूज़ की हुई है। रेड इसमें वाइट गोल्डन स्किन जो है इसमें वेलवेट वो यूज़ किया हुआ है कपड़ा, जो कि अच्छा लग रहा है स्किन और गोल्डन कॉम्बिनेशन के साथ। इसके साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे जो वॉशरूम दिया है वॉशरूम भी अच्छा सैनिटरी वर्क के साथ लग रहा है प्रॉपर, और जो इसमें शॉवर है जो प्रॉपर ऊपर दिया गया है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। सैनिटरी वर्क और इन्होंने जो प्रॉपर टाइलिंग का वर्क है ये मुझे इसमें इस अपार्टमेंट में एक अच्छी चीज़ लगी है कि यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर मास्टर टाइल्स और जो अच्छी क्वालिटी की सैनिटरी और टाइल्स मटेरियल है वो यूज़ किया हुआ है। वुड प्लाई का जो वुड का काम है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा क्योंकि ये थोड़ा सा इन्होंने विंड प्लाई वाली जो क्वालिटी है वो यूज़ की हुई है, बट उसके कंपैटिबल में जो टाइलिंग और सैनिटरी का काम है वो ज़रा अच्छा लग रहा है। तो ये तो हो गया वन बेड। वन बेड में जितना एरिया रिक्वायर्ड होता है एक अपार्टमेंट को उस हिसाब से तो ये काफ़ी सूटेबल है, बट इसके साथ ही साथ आपको मैं टू बेड का भी ऊपर विजिट करवा देती हूँ, उसका एरिया इससे बड़ा है, उसका एरिया से थोड़ा सा ज़्यादा है। साथ में आपको इसकी प्राइस भी बताती हूँ कि इसकी प्राइस विद फर्नीचर क्या होगी। तो अभी हम चलते हैं टू बेड अपार्टमेंट की जानिब और वहाँ पे उन्होंने क्या कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया और उसका क्या एरिया है और कितने स्क्वायर फिट पे वो हमें अपार्टमेंट मिलता है। आइए चलते हैं अपार्टमेंट नंबर टू की जानिब। जी तो ये हमारा अपार्टमेंट का ये जो वन बेड अपार्टमेंट था इसका कंप्लीट ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है, इसी के साथ साथ हम टू बेड की तरफ जाएंगे। उससे पहले मैं आपको वन बेड की एक और ऑप्शन जो कि है सेम इसी तरह की उसके बारे में भी थोड़े से क्लिप्स दिखाती जाती हूँ कि राइट नाउ इसके अंदर जो अपार्टमेंट आप देख सकते हैं ये टीवी लॉन्च मुझे एज़ कम्पेयर टू दैट अपार्टमेंट थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। शायद इसका डिज़ाइन इस तरह से है कि इसके अंदर इन्होंने एक लॉन्च में टीवी लॉन्च में एक विंडो भी दी हुई है और साथ इन्होंने जो इनका सोफ़ा सेटिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में किया हुआ है। तो ऑल दो ये एरिया उतना ही है बट इसका डिज़ाइन उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है, और साथ ही इन्होंने इसकी जो डेकोरेशन के साथ जो कॉम्बिनेशन ब्लू और स्किन में रखा हुआ है ये काफ़ी अट्रैक्टिव है और आई कैचिंग है। और साथ ही साथ इन्होंने वन बेड की जो ऑप्शन दी है वो भी इसके साथ अटैच्ड है। ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ उसी अपार्टमेंट की तरह है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा उसको एलैबोरेट नहीं कर रही क्योंकि ये सेम एज इट इज़ है, बस थोड़ा सा इसमें उन्होंने जो डिफरेंशिएट है वो दिया हुआ है। साथ ही इसमें जो किचन है ये थोड़ा सा अंदर करके आ रहा है राइट नाउ, ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है उस किचन से जो मैंने आपको पहले दिखाया। ऑल द क्वालिटी मटेरियल सारा वही यूज़ हुआ हुआ है, कलर भी वही यूज़ हुआ हुआ है, बस जो इसमें क्वालिटी है वो थोड़ी सी जो स्पेसिंग है वो डिफरेंट की हुई है, बाकी क्वालिटी ऑल ओवर सेम है। ये इसका वन बेड अपार्टमेंट का जो लाइक एक प्रॉपर वन बेड जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट हुआ हुआ है, और राइट नाउ इसके अंदर जो लैम्प्स और जो इन्होंने थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसमें इन्होंने डिफरेंट जो किया हुआ है वो इसके कर्टन्स हैं और इसके लैम्प्स हैं। बाकी ऑल दो इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन और इसकी जो साइड टेबल्स और बेड सेट है वो टोटली सेम है। उसके साथ ही इन्होंने ये वॉशरूम दिया हुआ है, वॉशरूम में भी इन्होंने जो क्वालिटी है उसको सेम रखा है, साथ में इन्होंने जो एक इलेक्ट्रिक जो गीज़र है वो दिया हुआ है प्रॉपर, जो इसके अंदर जो सैनिटरी वर्किंग है वो सेम एज इट इज़ वैसी ही है।
तो आइए चलते हैं, अब ये प्रॉपर एक आपका जो क्लिप है वो आपको हम इस अपार्टमेंट का भी दिखा देते हैं। टोटली सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसके साथ साथ मैं आपको जो टू बेड अपार्टमेंट है उसका भी विजिट करवाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो अब हम आए हैं अपने टू बेड अपार्टमेंट की तरफ, जो कि अंदर एंटर होते ही काफ़ी लाइवली इन्वायरमेंट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है टीवी लॉन्च का और डाइनिंग का वो एक तो सेपरेट दिया हुआ है और काफ़ी खुला है, काफ़ी इजी और आई कैचिंग इन्वायरमेंट है यहाँ पे। तो ऑल दो यहाँ पे एंटर होते ही जो टीवी लॉन्च का एक फील है वो वाकई ही आ रहा है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा दिखाएं, तो स्टार्टिंग में एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे हमारे पास सोफ़ा सिटिंग है, जो कि एक इंतहाई खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन के साथ इन्होंने रखा हुआ है, और क्वालिटी मेरे ख्याल से इन्होंने इसमें वेलवेट यूज़ की हुई है, और काफ़ी शाइनी और अट्रैक्टिव वेलवेट है। और कलर जो इन्होंने कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है सी ग्रीन सा, क्योंकि वेलवेट है तो वेलवेट में जो टू कलर्स और टू शेड्स जो हैं वो आते हैं अक्सर, अगर आपका कलर लाइट हो जाए या थोड़ा सा आई कैचिंग हो तो उसमें जो आपके शेड्स हैं वो थोड़ा डिफर करता है, लाइक ये ग्रीन और ब्लू में जो है ना आपका शेड आ रहा है, जिसके साथ इन्होंने कर्टन्स भी मैचिंग किए हुए हैं, और साथ जो इन्होंने वॉल है वॉल के साथ भी इसका ब्लू स्काई ब्लू सा जो कॉम्बिनेशन है वो दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और लेफ्ट साइड पर इन्होंने गोल्डन लैम्प्स और जो डेकोरेशन है उसको थोड़ा सा इन्होंने उसका टच दिया हुआ है। इसके साथ ही हम अब मूव करें, लाइक ये टीवी लॉन्च है तो डेफिनेटली यहाँ पे टीवी भी है, तो उसके बाद अब हम मूव करें वन बेड की इसकी तरफ, क्योंकि यहाँ पे टू बेड्स हैं, एक बेड दूसरी तरफ है और सेकंड जो फर्स्ट वाला बेड है वो यहाँ पे है। जो एंटर होते ही आपको फर्स्ट बेड जो है वो मिलता है, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और राइट नाउ जो अभी यहाँ पे ओपन है, सारी लाइट्स वगैरह ऑन है, तो ये इन्होंने जो प्रॉपर इसका जो अवेलेबिलिटी है इसमें कलर्स की वो सेम रखी हुई है, सेम जैसे टीवी लॉन्च में इन्होंने सोफ़ा सेट का कलर दिया हुआ है वैसे यहाँ पे दिया हुआ है। और ये कर्टन्स भी इन्होंने काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, और साइड चेयर्स और लैंप्स हैं, और इसमें भी हम इसका ज़रा थोड़ा कर्टन का व्यू हटाएं तो थोड़ा सा आपको हमारा कैमरामैन भी दिखाएं, तो बाहर की तरफ जो व्यू है वो बहरिया टाउन का जो गाजी ब्लॉक है, गजनवी ब्लॉक है, सेक्टर एफ है, क्योंकि इसके सराउंडिंग में बिल्कुल पास ही इम्तियाज स्टोर है, बिल्कुल आईफल टावर है, और यहाँ पे वो जो एक फैसिलिटी है पीएसओ पेट्रोल पंप की वो भी है, और बिल्कुल आपका जो हर जो नियर अबाउट चीज़ें हैं और जो एक्सेसरीज हैं वो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाती हैं। उसके साथ ही यहाँ पे वॉशरूम दिया हुआ है, और वॉशरूम भी आपको थोड़ा सा हम उसका क्लिप भी दिखा देते हैं कि अंदर उन्होंने कौन सी क्वालिटी यूज़ की हुई है। ऑल्दो इस पूरी बिल्डिंग में क्वालिटी का जो मटेरियल जो है वो सेम रखा गया है, मास्टर टाइल्स का, और उसमें प्रॉपर सैनिटरी का जो वर्क है वो एज इट इज़ है। अब हम चलते हैं बाहर टीवी लॉन्च की जाने और दूसरे बेड की तरफ। उससे पहले मैं दूसरे बेड की जाने से पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा डाइनिंग एरिया और जो किचन का एरिया है वो विज़िट करवा देती हूँ। ये एक प्रॉपर डाइनिंग एरिया है जो यहाँ पर दिया गया है, उसके साथ ही यहाँ पर किचन है, जो कि किचन मुझे काफ़ी जो है वो ओपन और खुला लग रहा है, ज़रा खुला डुला किचन लग रहा है। तो इसमें भी उन्होंने मटेरियल और जो सैनिटरी है वो सेम वही यूज़ की हुई है, और प्रॉपर जो है यहाँ से भी एक ओपन एक वेंटिलेशन के लिए जो एरिया वो छोड़ा गया है, प्रॉपर इसमें जो गैस सिस्टम है वो भी अच्छा और अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है, सैनिटरी वर्क भी अच्छा है। और साथ ही साथ आपको मैं इसका एरिया बताती हूँ इस पूरे अपार्टमेंट का, तो ये अराउंड 800 से 850 स्क्वायर फीट का ये अपार्टमेंट दिखने में भी पता लग रहा है, और इसका एरिया भी तकरीबन इतना ही है। अब हम साथ ही के डाइनिंग और किचन एरिया के साथ हम जो टू बेड की जानिब जाएं, तो टू बेड हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, और इसमें भी इन्होंने थोड़ा सा जो डिफर है मेरे ख्याल से, इन्होंने ये जो डिज़ाइन है इसका बेड सेट का वो डिफरेंट किया हुआ है, उसके साथ जो इन्होंने ऊपर जो ये बटरफ्लाई सा एक डिज़ाइन का टच दिया हुआ है, और साथ में प्रॉपर जो यहाँ पे जो साइड सिटिंग है, और सेम वही व्यू है इसका जो साइड राइट साइड पर जो बेडरूम है उसका किया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो अपार्टमेंट की व्यू की है वो सेम है, कर्टन्स और बेड सेट प्रॉपर इन्होंने मैचिंग किया हुआ है। उसके साथ ही हमारा ये वॉशरूम है, वॉशरूम एरिया है, ये भी हमारा प्रॉपर जो है वो उसी नीट एंड क्लीन जो इन्होंने सेंट्री मटेरियल यूज़ किया हुआ है ब्लैक एंड वाइट कॉम्बो के साथ है, तो ये भी आप देख सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो अपार्टमेंट्स का आपने जो विज़िट है वो कर लिया है, और मैं आपको साथ साथ बताती हूँ हमारे पास सिर्फ यही एक दो अपार्टमेंट्स नहीं है, पूरे बहरिया टाउन में आपको कहीं पे भी किसी भी बजट ब्रैकेट में कोई भी अपार्टमेंट रिक्वायर्ड हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली मैं आपको इधर की जो प्राइस एस्टिमेट है और इस इन अपार्टमेंट्स की जो प्राइस है वो भी बताती जाऊँ, और साथ साथ जो मिनिमम से मैक्सिमम बजट ब्रैकेट में अपार्टमेंट्स आते हैं उन सब की भी प्राइस बता दूँ, वो तमाम तर व्यूअर्स जो मिनिमम बजट में भी रहते हुए तमाम तर जो लग्जरी इन्वायरमेंट है और जो इंटीरियर
डेकोरेशन जैसे मैंने आपको बताई है उस सबको इन्जॉय करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास डिफरेंट जो प्राइजेस रेंज के अंदर है, प्राइस ब्रैकेट के अंदर है, वो अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। तो स्टूडियो वन बेड और टू बेड की कैटेगरीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने में आती है क्योंकि उसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो स्टूडियो की अगर आप देखते हैं तो स्टूडियो का अपार्टमेंट आपको 55 लाख से लेके 65 लाख तक, 70 तक भी आपको जो है वो फर्निश्ड अपार्टमेंट फर्नीचर के साथ आपको मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी का अपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है अगर आप कैश पे बाय करते हैं। सेकंडली अगर आप वन बेड कैटेगरी में देखते हैं तो मिनिमम बजट ब्रैकेट में रहते हुए और मैक्सिमम देखें तो 1995 से आपको अपार्टमेंट स्टार्ट होता है जो कि 110-115 तक आपको कॉस्ट करता है वन बेड अपार्टमेंट। और अगर आप नॉन फर्निश्ड में चले जाते हैं तो उसका अराउंड 1 मिलियन या 8 लाख के करीब आपका जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। ये मैं आपको फर्निश्ड अपार्टमेंट्स की एवरेज बता रही हूँ। और अगर आप जाते हैं टू बेड कैटेगरी में तो 135-140 से हमारा अपार्टमेंट्स जो है वो यहाँ पे ऑल ओवर बहिया की बात कर रही हूँ, सिर्फ इनकी बात नहीं कर रही, 135 से 140 से आपके अपार्टमेंट्स स्टार्ट होते हैं और अराउंड 160-170 तक जाते हैं। 185 के भी अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, लेकिन वो उस एक्स्ट्रा लग्जरी और अच्छी क्वालिटी लाइक आपका जो ईच एंड एवरी उसका साइज़ बड़ा होता है लाइक 900+ स्क्वायर फीट है, 1100 स्क्वायर फीट है, तो साइज़ के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से जो अपार्टमेंट्स हैं वो वेरी करते हैं। और अगर आप तमाम तरह ये फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ के साथ इंस्टॉलमेंट कैटेगरी पे भी ऑप्शन देखते हैं तो वो भी ऑप्शन आपको बहरिया में रहते हुए मिल जाती है और बहुत ही प्राइम लोकेशंस के ऊपर भी हमारे पास अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि आप अभी नहीं लेना चाह रही हैं, अभी आपका बजट ब्रैकेट कम है, तो आप इन फ्यूचर जो है वो इंस्टॉलमेंट कैटेगरी के ऊपर भी राइट नाउ बुकिंग करवा के 2 से 3 साल के प्लान के ऊपर भी आप अपना जो अपार्टमेंट है वो बुक करवा सकते हैं और टोटल फर्निश्ड अपार्टमेंट भी आप इंस्टॉलमेंट पर बुक करवा सकते हैं। तो बाकी फर्दर मिनिमम से मैक्सिमम बजट में रहते हुए मैंने आपको अपार्टमेंट्स की जो प्राइस ब्रैकेट है वो भी बता दी है, लोकेशंस भी बता दी हैं। फर्दर आपको किसी भी लाहौर में या इस्लामाबाद में मौजूद अपार्टमेंट से रिलेटेड या आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट्स या फाइल्स कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा सेम नंबर व्हाट्सएप एंड ईमो पर भी मौजूद है फॉर माई ओवरसीज़ क्लाइंट। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।